पुलवामा की घटना के बाद से ही पूरा देश शाहबाजों की शहादत पर आंसू बहा रहा है। उनकी इस कुर्बानी पर लोगों का सिर झुक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता ऐसे मौकों पर भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इस घटना पर बड़ा बयान दिया है। पुलवामा हमले के बाद राजनीतिक बयानों का सिलसिला जारी है। ताज़ा बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कश्मीर मसला सुलझ नहीं जाता, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। कश्मीर की जनता का समर्थन करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ के लोग पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, और जब तक कश्मीर मुद्दे का राजनीतिक समाधान नहीं निकलता, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। वैसे इससे पहले भी अब्दुल्ला ऐसे ही बयान दे चुके हैं। कुछ वक्त पहले भी उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में नासूर बन चुकी इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। अब उनके इस बयान पर राजनीति का तेज होना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।